हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे स्नीको रेड गाला एप्पल वैरायटी के बारे में। दोस्तों वैसे तो इस वैरायटी से रिलेटेड आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियो देखने को मिल जाएगी, लेकिन अक्सर होता क्या है कि अगर आपको हाइट के बारे में जाना है तो उसके लिए आपको अलग से यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखनी पड़ेगी। कलर क्वालिटी मार्केट रेट के बारे में जाना है तो उसके लिए अलग से आपको वीडियो देखनी पड़ती है, और हार्वेस्टिंग के बारे में जाना है तो उसको आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में स्नीको रेड गाला से रिलेटेड उसकी हार्वेस्टिंग, मार्केट रेट, कलर क्वालिटी, साइज किस तरह का रहता है, कितने सालों के बाद इसका पौधा आपको सैंपल देता है, क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन है या फिर इसमें पॉलिनेशन की देने की जरूरत पड़ती है, वो सारी जानकारी सिर्फ आपको एक वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डिंपल वाली, देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे स्नीको रेड गाला एप्पल वैरायटी के बारे में। दोस्तों वैसे बेसिकली ये दो तरह की वैरायटी है दोस्तों, एक है स्नीका स्नीको गाला, दूसरी है स्नीको रेड गाला एप्पल वैरायटी। यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, एक है स्नीका स्नीको गाला, दूसरा है स्नीको रेड गाला। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे स्नीको रेड गाला एप्पल वैरायटी के बारे में दोस्तों, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइज और कलर क्वालिटी के बारे में। दोस्तों इसका जो कलर क्वालिटी रहता है दोस्तों, स्टार्टिंग से ही आपको इस वैरायटी में कलर देखने को मिलता है, हाई स्टिन कलर वैरायटी है दोस्तों, डार्क इस वैरायटी का कलर रहता है। वहीं अगर हम बात करें इसके साइज की तो इसमें बहुत ही अच्छा आपको साइज भी देखने को मिलता है। जितना लेट तक आप इस वैरायटी को रखेंगे उतना ही अच्छा आपको इसमें साइज देखने को मिलता है। स्मॉल मीडियम लास्ट तक आपको इस वैरायटी में साइज जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइज है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें इस वैरायटी की एलिवेशन की, किस एलिवेशन में, किस हाइट में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं दोस्तों, इसकी जो सही एलिवेशन है वो दोस्तों 5000 से 6500 7000 तक की एलिवेशन में आप चाहे तो इस वैरायटी को लगा सकते हैं दोस्तों। मिडिल एलिवेशन के लिए ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इसके पॉलिनेशन की, क्या ये पॉलिनेशन मांगता है या फिर ये सेल्फ पॉलिनेशन है, तो दोस्तों जितनी भी गाला वैरायटियां होती है हमारी खट्टी वैरायटियां, वो वैसे तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके साथ पॉलिनेशन देना चाहते हो तो जो हमारा बेस्ट पॉलिनेशन माना जाता है, जैसे कि ग्रैनी स्मिथ जो है वो बेस्ट पॉलिनेशन माना जाता है, उसी के साथ साथ आपका गोल्डन जो है वो भी एक अच्छा पॉलिनेशन माना जाता है, तो वो आप इसके साथ पॉलिनेशन में दे सकते हो दोस्तों। अगर हम बात करें इस वैरायटी की हार्वेस्टिंग की, तो इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है अगस्त की स्टार्टिंग में आप इस वैरायटी की हार्वेस्टिंग कर सकते हो। साइज कलर क्वालिटी के लिए आप थोड़ा सा लेट भी इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप इसे सीडलिंग के ऊपर ग्राफ्ट करते हो तो कितने सालों के बाद इसका पौधा आपको सैंपल देता है, और अगर आप रूट स्टॉक के ऊपर करते हो तो कितने सालों के बाद इसका सैंपल देता है, ट्रॉफ ग्राफ्ट करने के बाद कितने सालों के बाद सैंपल देता है दोस्तों। सीडलिंग के ऊपर इसका जो सैंपल रहता है आपको तीसरी से चौथी साल को इसमें आपको सैंपल देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप रूट स्टॉक के ऊपर करते हो तो दूसरी से तीसरी साल को आपको सैंपल आ जाता है। टॉप ग्राफ्ट है, कई बार क्या होता है कि अगर आप इसे टॉप ग्राफ्ट करते हो तो सेम ईयर भी आपके पास सैंपल आ जाता है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर को तो इसमें टॉप ग्राफ्ट में सैंपल आ ही जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है दोस्तों। पौधे की अगर हम बात करें तो पौधे में ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है दोस्तों। स्टार्टिंग के टाइम में तो आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी कम होती जाती है। बाकी ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है दोस्तों मिडिल एलिवेशन के लिए। अब अगर हम बात करें इसके मार्केट रेट की, तो पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिला है। 2020 में 2021 में लगभग 3000 से 3500 के बीच में इसका जो है मार्केट रेट रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सबको जो है 3000 का रेट भी मिला है, तो कईयों को जो है 2500 भी मिला है, कईयों को 3500 भी मिला है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि साइज और कलर क्वालिटी जो है बहुत मैटर करता है। लेकिन आज की डेट में क्या होगा कि आज की डेट में जो जल्दी मार्केट में पहुंचा है उसी को रेट मिल रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।